हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं मैंगो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कटिंग कि अगर आप आम खाना पसंद करती हैं तो आप किसी भी आम को कितने टाइप से कटिंग करके और आप इसको डेकोरेट कर सकती हैं या प्लेट में सर्व कर सकती हैं या खुद भी खा सकती हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारे टाइप के कटिंग बताए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने कटिंग कैसे किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक आम लिया है और इसको अच्छी तरह मैं नाइफ से इस तरह छील रही हूँ। छील के बहुत ही बारीकी से निकालना है ताकि जो हमारा आम है, अगर सैलेड के लिए आप कटिंग करनी है तो थोड़ा सा आम कम पका रहे तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बिल्कुल जो गला हुआ आम होता है उस अच्छे तरह से नहीं कट पाता है। तो यहाँ हमारे साइड में इसे लंगड़ा आम कहते हैं और इसका जो रैपर है वो ग्रीन कलर का रहता है, बट ये खाने में बहुत स्वीट होता है। तो इस तरह देखिए, इसका नाइफ से मैंने छिलका निकाल लिया। इसका इस तरह हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत लोग अलग अलग टाइप से मैंगो खाना पसंद करते हैं तो यहाँ मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आम रखे तो उसको कटिंग करना भी लोगों को समझ में नहीं आता है किस तरह कटिंग करें। तो यहाँ देखिए, एक सेप ये हुआ कि इस तरह से हम आम को कटिंग करके खा सकते हैं। बहुत लोगों को पसंद होता है बड़े बड़े साइजेस में कटिंग करना, तो बहुत लोगों को पसंद होता है थोड़े से छोटे साइजेस में कट करना। तो उसको यहाँ साइड से इस तरह हम कट कर लेंगे और आपने देखा कि कितने इजीली तरीके से हम आम को कट कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद इस तरह के शेप कट करके और आप अपने सैलेड को डेकोरेट कर सकती हैं या खुद भी आप आम को कटिंग करके खा सकती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी और भी डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ मैंने इस तरह देखिए ले लिया है आम को और इसके भी छिलके मैं उतार लूँगी। छिलका उतारना बहुत ही इजी होता है। ये देखिए, अगर नाइफ से हम हल्के हल्के करके इस तरह छिलके उतार लें तो बहुत ही इजी तरीके से छिलके उतर जाते हैं। इसके हर छिलके निकालने के टेक्निक देखिए कितने अच्छे हैं। बस थोड़ा सा नाइफ आपको कट कर लेना है और उसके बाद सारे छिलके इजी तरीके से निकल जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाऊँगी आपको बड़े बड़े टुकड़े करके, क्योंकि थोड़े से बड़े पीसेस भी बहुत लोगों को पसंद होते हैं। तो यहाँ लंबे लंबे मैंने स्लाइसेस किए और उसके बाद कटिंग किया, और ये देखिए बीच से मैं कट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ लोगों को अच्छा लगता है इस तरह के आम को कट करके खाना। उसके बाद बारीकी बारीकी, किसी को अच्छा लगता है कि हम स्पून से आम खाएं, या आप शेक वगैरह बनाती हैं तो आप उसमें भी आपको कटिंग करके अगर आपको डालना हो तो वहाँ पे हम इस तरह पतले पतले स्लाइसेस करके और छोटे छोटे आम के पीसेस करके डाल सकते हैं। इस तरह का आप शेक में डाल सकती हैं, फ्रूटी में डाल सकती हैं, या आप ऐसे भी आम का शरबत बनाती हैं उसमें भी डाल के छोटे छोटे, या नॉर्मल आप ऐसे भी खा सकती हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बताऊँगी कि जिन लोगों को बड़े बड़े जो आम के बहुत ही शौकीन होते हैं, उनको तो जाहिर बात है कि बड़े कटिंग करके आम ही खाना पसंद होगा, तो उनके लिए यहाँ पे मैं कटिंग करके दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए, बड़े साइज़ के आम देख रही हैं आप कि आम कितने स्वीट स्वीट और कितने फ्रेश मैंगो हैं। तो अगर आपके पास मैंगो फ्रेश है तो कटिंग करने में भी आसानी होगी, छिलके निकालने में भी आसानी होगी, और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं बड़े पीसेज इनके करूँगी, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीसेज तो आपको दिखाया। अब यहाँ पे इस तरह और बस बीच से चार टुकड़े ही मैं इनके करूँगी। तो ये होंगे मैंगो के बड़े बड़े पीसेज बिल्कुल, जिनको कि पसंद होता है, बहुत लोगों को पसंद होता है अलग अलग टाइप के आम खाना, किसी को बड़े पीसेज किसी को छोटे पीसेज। तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरह के बड़े बड़े पीसेज कर लिए हैं मैंगो के कट करके। तो यहाँ पे पूरा मिला के मैंने पांच तरह के कटिंग बताया आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको पांच तरह के आम को कट करके दिखाया, और ये कितना अच्छा है, ये तरह छोटे छोटे पीसेज में, फिर थोड़े से बड़े पीसेज में, फिर लंबे स्लाइसेज में, फिर साइड के स्लाइसेज में, फिर और बड़े पीसेज में, सारे कटिंग बहुत ही अच्छे हैं और कितने फ्रेश लग रहे हैं। तो इस तरह से आम कटिंग करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, और इसी तरह कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, किसी नए यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।